उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस अगले हफ्ते चार देशों की यात्रा दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मिलेंगे। व्हाइट हाउस ने दसा कि इस दौरान पेंस अमेरिकी आसियान सम्मेलन और सिंगापुर में आयोजित हो रहे पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। साधारण तौर पर इन सम्मेलनों में अमेरिकी राष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं, पर इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील से पेंस अपने देश की नुमाइंदगी करेंगे। पेंस 11 तो 18 नवंबर के विचकार जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ते पापुआ नू गिनी जाएंगे। इस दौरान वह अमेरिकी आसियान सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हो रहे पूर्वी एशिया सम्मेलन ते पापुआ नू गिनी में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की बैठक में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस ने दसा कि पेंस अपनी यात्रा दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हंसेल लोंग, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीटर अते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नाल मिलेंगे। इन्होंने अलावा पेंस होर दो पक्षी बैठकों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका आसियान सम्मेलन सिंगापुर में पूर्वी एशिया सम्मेलन अते पापुआ न्यू गिनी में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक में पेंस नाल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति प्रेस सकत्र आलिशा फरा ने दसा कि उपराष्ट्रपति अमेरिका आसियान सम्मेलन अते एपेक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी करके मान महसूस कर रहे हैं। इन बैठकों में उस खेत्र में अमेरिकी अगवाई, आजादी, आर्थिक खुशहाली और हिंद प्रशांत खेत्र में सुरक्षा की अपनी वचनबद्धता दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि बतौर उपराष्ट्रपति पेंस तीजी बार इस खेत्र का दौरा कर जा रहे हैं। इस दौरान वह कोरियाई प्रायद्वीप के आखिरी पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के राष्ट्रपति ट्रंप के संकल्प को दोहराएंगे।